बिलासपुर जिले के सबसे बड़े अस्पताल अपोलो और उसके डॉक्टरों के लाइसेंस को निलंबित करने की मांग को लेकर मृतक गोली छावड़ा के परिवार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मेडिकल काउंसिल समेत दर्जन भर जगहों पर शिकायत की है। बीते 7 सालों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे मृतक गोली छावड़ा के परिजनों ने अपोलो प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग करते हुए अपोलो हॉस्पिटल और उसके 4 डॉक्टरों डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील केडिया, डॉक्टर राजीव लोचन भांजा और डॉक्टर मनोज राय के मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस निलंबित करने की मांग की है। 14 पन्नों के आवेदन के साथ 211 पन्नों की शिकायत पत्र सौंपा और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला इस प्रकार है कि गोल्डी छावड़ा को सामान्य पेट दर्द की शिकायत पर 2016 में अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान गोल्डी छावड़ा की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही से हुई गोल्डी की मौत की शिकायत को लेकर उसका परिवार न्याय के लिए भटक रहा था। इस दौरान परिजनों ने सरकंडा थाना CMHO कार्यालय समेत कई जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं होने के बाद गोल्डी के परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले में हाईकोर्ट ने 2023 में सुनवाई के बाद अपोलो हॉस्पिटल पर कार्रवाई के निर्देश मिलने पर सरकंडा पुलिस ने अपोलो प्रबंधन और डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर राजीव लोचन भांजा, डॉक्टर सुनील केडिया और मनोज राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें जमानतीय धाराओं में डॉक्टरों पर कार्रवाई कर उन्हें जमानत दे दी गई। लेकिन गोल्डी के परिजनों का कहना है कि FIR प्रबंधन पर भी की गई, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। इतना ही नहीं, डॉक्टरों पर अपोलो हॉस्पिटल ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है। असल ये मामला 2016 का है। 25 दिसंबर 2016 को हमने अपने भाई को मामूली पेट दर्द के लिए अपोलो लेके गए थे। अपोलो की इलाज में गंभीर लापरवाही, घोर लापरवाही उनकी तरफ से बरती गई थी, जिसके कारण मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी 26 दिसंबर 2016 को। और उसके बाद से हमने पुलिस में शिकायत की कि इनकी लापरवाही के कारण हमारे भाई की मृत्यु हुई है। पुलिस उस समय संज्ञान नहीं ले रही थी अच्छे से। फिर हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की याचिका दायर करने के बाद फिर कुछ रिपोर्ट्स आई, मेडिकल रिपोर्ट्स आई, फिर हाईकोर्ट के आदेश और परिपालन से 7 अक्टूबर 2023 को पुलिस ने ले देकर अपोलो प्रबंधन बिलासपुर और उसके संबंधित डॉक्टर, 4 डॉक्टर थे, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार केडिया, डॉक्टर राजीव लोचन भांजा और डॉक्टर मनोज राय, इनके खिलाफ FIR दर्ज की थी 7 अक्टूबर 2023 को। फिर 2 महीने के बाद 29 दिसंबर 2023 को इन 4 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। फिर उनको जमानत मुचलके पर छोड़ दिया गया था। उसके बाद से पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्यवाही अपोलो प्रबंधन के खिलाफ नहीं की। अपोलो प्रबंधन भी उतना ही दोषी है मेरे भाई की मृत्यु में जितना वो डॉक्टर दोषी हैं। तो हम चाहते हैं कि अपोलो प्रबंधन बिलासपुर के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो डॉक्टर्स हैं, 4 डॉक्टर्स अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाए जब तक ये केस चल रहा है, सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, ताकि आगे और किसी के साथ ऐसा ना हो जो हमारे भाई के साथ हुआ है। इससे रिलेटेड हमने शिकायत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली, नेशनल मेडिकल कमीशन न्यू दिल्ली, CMO चीफ मिनिस्टर ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, डिप्टी चीफ मिनिस्टर लॉ एंड लेजिस्लेटिव मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल काउंसिल और सेक्रेटरी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और कलेक्टर साहब जो कि परिवेक्षरी प्राधिकारी हैं, सुपरवाइजरी अथॉरिटी हैं नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत, जो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर CMHO सरकंडा को हमने पत्र प्रेषित किया है। पूरी 211 पन्ने की ये फाइल गई है। अब 14 पन्ने का एप्लीकेशन है और सारी रिपोर्ट संलग्न करके हमने 211 पन्नों की रिपोर्ट फाइल करके सबको दी है। तो हम चाहते हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो, ताकि और किसी के साथ आगे ऐसा ना हो। अपोलो जैसा संस्थान अभी गैर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ जुड़ा हुआ, जैसे कि SECL, रेलवे, तो वो कर्मचारी भी उनके यहाँ इलाज कराने जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अपोलो से और ऐसे किसी के साथ केस ना हो जो हमारे साथ हुआ है, जितना हमको सफ़र करना पड़ा है, किसी और को ऐसा सफ़र ना करना पड़े, पीड़ित ना बने कोई। मेरा नाम प्रिंस छाबड़ा है, मैं गुल्डी छाबड़ा का छोटा भाई। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।